नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं हिंदी से प्रश्न बैंक का हल हम पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई 2। इकाई 2 से कुल 17 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक के 6, 2 अंक के 2, 3 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो चलिए लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1914। ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर दूसरा है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनी कहानी का आधार बनाने वाले कथाकार हैं प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर अ सही है। तीसरा प्रश्न है, नमक की गाड़ियां जा रही थी, कहाँ जा रही थी? कानपुर। ऑप्शन नंबर स सही है। चौथा है, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्रकृष्णा शोभती के कौन से चित्र संग्रह से लिया गया है? हम हशमत। ऑप्शन नंबर स सही है। पांचवा है, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को कितने का पहाड़ा करने के लिए दिया था? 13 का। ऑप्शन नंबर ब सही है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? क्या है रजनी? पटकथा है। ऑप्शन नंबर ब सही है। सातवा है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा? माली ने। ऑप्शन नंबर अ सही है। आठवा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर नौवा देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है सन 1900। ऑप्शन नंबर अ सही है। दसवा, जब लेखक स्वानुभूति एवं स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति विशेष का चित्रण करता है तो वह रचना कहलाती है। क्या कहलाती है? संस्मरण। ऑप्शन नंबर ब सही है। ग्यारहवा है, रिपोर्टाज शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का है। ऑप्शन नंबर ब सही है। बारहवा है, हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद को। तो अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है। ये जो खाली स्थान दिया हुआ है ना, इसमें हमें इन दो में से कोई सही शब्द को चुनकर लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, डॉक्टर नागेंद्र ने खालिस्तान को पुनर्जागरण काल कहा है। किसको पुनर्जागरण काल कहा है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। दूसरा प्रश्न है, अंधेर नगरी खालिस्तान की प्रसिद्ध रचना है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो कि नाटक सम्राट हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है अंधेर नगरी। फिर तीसरा है, खालिस्तान युग को हिंदी निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है। शुक्ल युग को, यहाँ आ जाएगा शुक्ल युग। फिर तीसरा है, जिंदगी नामा खालिस्तान प्रसिद्ध है। जिंदगी नामा एक प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर पांचवा देखिए, खालिस्तान को हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। प्रेमचंद को हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। छठवा है, पंडित अलोपी नादीन का पर अखंड विश्वास था। अखंड विश्वास था लक्ष्मी, यहाँ पर आ जाएगा। खालिस्तान पर अखंड विश्वास था, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। फिर सातवा होगा, मियाँ नसरुद्दीन खालिस्तान किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर थे। 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे मियाँ नसरुद्दीन। फिर आठवा देखिए, शेखर जोशी की कहानी खालिस्तान पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। दाज्यू, यहाँ पर आ जाएगा दाज्यू। फिर नौवा देखिए, स्पीति में बारिश एक खालिस्तान है, यात्रा वृतांत है, यहाँ पर आ जाएगा यात्रा वृतांत। दसवा है, आपका बेटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध खालिस्तान है। क्या है? उपन्यास है। फिर ग्यारहवा है, जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति
खालिस्तान था, शायर था। अब हमें सत्य असत्य लिखना है। तो चलिए पहला ले लेते हैं, प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है, बिल्कुल यह कथन सत्य है। फिर दूसरा है, न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठान गया, यह कथन सत्य है। फिर तीसरा देखिए, स्पीति में साल में फसल होती है, साल में फसल होती है, बिल्कुल सत्य है यह कथन भी। फिर चौथा देखिए, संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, यह कथन भी सत्य है। फिर अगला है, एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, यह भी सत्य है। तो यहाँ भी आ जाएगा सत्य। फिर छठवा देखिए, मियां नसरुद्दीन में पंच भंडारी अंदाज में सिर हिलाया, तो यह कथन भी सत्य है। फिर देखिए अगला, स्वयं के दैनिक जीवन प्रसंगों को नियमित रूप से लिखना आत्मकथा लेखन है, यह कथन असत्य है। तो यहाँ असत्य लिख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आता है आठवां नंबर, झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास है, यह कथन सत्य है। फिर नौवां नंबर है, रजनी में शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या को केंद्र में रखा गया है, रजनी में शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या को केंद्र में रखा गया है, यह कथन भी सत्य है। फिर दसवां देखिए, दसवां है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है, यह कथन असत्य है। फिर अब देखते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखना है। सबसे पहले नंबर में है, बादलों के घेरे किसकी रचना है, कृष्णा शोभती की। तो यहाँ पर मिला देंगे कृष्णा शोभती। दूसरा है, नौरंगी बीमार है शेखर जोशी की रचना है, तो यहाँ पर आ जाएगा शेखर जोशी इसके सामने। फिर तीसरा है, मैं हार गई मन्नू भंडारी की रचना है, तो ये मिला देंगे हम मन्नू भंडारी से। चौथा है, कागज की नाव कृष्णचंद्र की रचना है, तो कृष्णचंद्र से मिला देंगे हम। फिर पांचवा है, भारत माता जवाहरलाल नेहरू की रचना है। धन पर धर्म की जीत तो इसका संबंध किससे है, नमक का दरोगा करबला कहानी से। फिर अगला है, सरकारी व्यवस्था की संवेदन शून्यता का संबंध है जामुन के पेड़ से। फिर आठवां है, शिक्षा का व्यवसायीकरण का संबंध है रजनी से। समय सरगम का संबंध क्या है, यह एक नाटक है। कोशी का घटवार एक उपन्यास है, और पृथ्वी की परिक्रमा या पृथ्वी परिक्रमा एक यात्रा वृतांत है। तो चलिए अब पहुंचते हैं पांचवें प्रश्न पर, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वंशीधर ने किसके बैर मोल लिया था, किससे बैर मोल लिया था वंशीधर ने, पंडित आलोपी दीन से, तो यहां पर आ जाएगा पंडित आलोपी दीन से। दूसरा लेते हैं, नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई धर्म की जीत हुई। फिर तीसरा है, किसका कथन है, तालीम की तालीम बड़ी चीज है,
तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, मियाँ नसीरुद्दीन की है। यह कथन किसका है? नसीरुद्दीन का है, नसीरुद्दीन। फिर आगे देखिए, मोहन के गुरु का क्या नाम था? मास्टर त्रिलोक सिंह, मास्टर त्रिलोक सिंह। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, स्पीति घाटी हिमालय के किस भाग में है? हिमालय के मध्य में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है वो। तो कहाँ पर है वो? हिमाचल के मध्य में। लिखते हैं, हिमाचल के मध्य में, के मध्य में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है, है ना? तो लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है। चलिए आगे देखते हैं। छठवां नंबर है, जब नेहरू किसी जलसे में जाते थे तो उनको स्वागत कौन सा नारा के साथ किया जाता था? कौन से नारे के साथ नेहरू जी का स्वागत होता था? भारत माता की जय, भारत माता की जय, यह नारा लगता था। चलिए अगला है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? सेक्रेटियन के लॉन में, सेक्रेटियन के लॉन में। अगला नंबर है, रजनी एकांकी का पात्र अमित सक्सेना कौन सी क्लास में पढ़ता था? तो कौन सी क्लास में पढ़ता था? कक्षा सात में। तो यहाँ लिख देंगे, कक्षा सातवीं में। चलिए आगे है, रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था? कहाँ ले गया था? लखनऊ ले गया था। यहाँ लिख देंगे, लखनऊ। फिर अगला है, धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था? लोहे के सामान बनाना, लोहरी का व्यवसाय था, लोहार का काम करते थे, तो व्यवसाय को क्या बोलेंगे? लोहारी।